रामचंद्र कहे कैसी आस सिए ऐसा कली के पास चला जा अपना धन वापिस ले ले और तू भी मकान बना ले। अब कलयुग तो आ गया है, ब्राह्मण की बुद्धि भी हो गई भ्रष्ट, बोले सारी सर भगवान डंडा देके वैश्य के घर में चला है। कहने लगा भाई मेरा धन वापिस दे दे, मुझे भी मकान बनाना है। वैसे कहने लगा ब्राह्मण देवता, जब धन निकला था मैं तेरे पास लेके गया था, तूने मना कर दिया, अब धन खर्च हो गया, मैंने मकान बनाया और दोनों में हो गया झगड़ा। भक्तों याद रखना, सबके घर में छोटे मोटे झगड़े कभी कभी तो होते रहते हैं, लेकिन जिस घर में रोज कलेश रहता है उस घर में कलयुग का वास हो जाता है। बोले बाप के बिहारी लाल, घर में कभी कलेश मत रखना। धर्मराज विष्णु ने विचार कर लिया, देवऋषि नारद ने ठीक कहा था, छह जीने के बाद कलयुग आएगा, ये कलयुग के ही लक्षण। और एक बार प्रभु श्री रामचंद्र ने माता सीता से कहा, रामचंद्र कहे कैसी आस सिए ऐसा कली कहाए। कहा था सुनो